नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम को वो पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे इस केस पर उठ रहे कई अहम सवालों का पर्दाफाश होने वाला है। ये वो सवाल हैं जिनसे एनसीबी की रेड डालने वाली टीम, उसका नेतृत्व करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े की साख को संकट में डाल दिया गया। ये वो सवाल हैं जिनके चलते मुंबई में चल रही एनसीबी की कार्रवाई को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। ये वो सवाल है जिसमें शाहरुख खान से करोड़ों की वसूली का एंगल सामने आया। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इस मामले में 7 गवाहों समेत 16 लोगों से पूछताछ की है। आर्यन खान, जिसकी वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आया, उससे 8 घंटे से ज्यादा तक सवाल जवाब किए गए। शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में बेल की शर्तानुसार हाजिरी देने के बाद आर्यन खान शाम 4:30 बजे एनसीबी के उस ऑफिस पहुंचा जहां विजिलेंस टीम अब इस मामले की नए सिरे से जांच कर रही है। और रात करीब 12 बजे तक आर्यन खान से लंबी पूछताछ हुई जिसमें उसे हिरासत में लिए जाने से लेकर एनसीबी की कस्टडी और जेल में उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में पूछा गया। ड्रग्स मामले में और व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल जवाब किए गए, लेकिन ज्यादा जोर था किरण गोसावी से हुई उसकी बातचीत और किरण गोसावी की आर्यन खान की हिरासत में ली गई सेल्फी और उसके फोन से किए गए पूजा डडलानी के कॉल को लेकर। और इस शुरुआती जांच में ही एनसीबी की एसआईटी को वो अहम सबूत मिल चुके हैं जो क्रूज ड्रग केस का सच सामने लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एनसीबी की एसआईटी टीम को पता चल गया है कि रेड और रेड के बाद उगाही की जो कहानी सामने आई उसमें किस किरदार का क्या रोल था और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है। एनसीबी को यह भी पता चल चुका है कि उनके अधिकारी समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में कैसे फंसाया गया। तो क्या क्रूज ड्रग केस में पड़ी एनसीबी की रेड फर्जी थी? क्या समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से उगाही के लिए आर्यन खान को अरेस्ट किया था? क्या किरण गोसावी, प्रभाकर सैल, सुनील पाटिल, पूजा डडलानी को लेकर सामने आई उगाही की कहानी सच्ची है? तो ये सच कैसे सामने आएगा वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि उन्हें जांच में कई अहम सबूत मिल चुके हैं और उनकी टीम जल्दी ही इसका निष्कर्ष निकाल लेगी। इससे पहले एनसीबी की विजिलेंस टीम ने क्राइम सीन का दौरा भी किया था और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था। अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार एनसीबी की एसआईटी टीम को ये सबूत मिले हैं कि क्रूज केस में किरण गोसावी और उसकी टीम, जिसमें सुनील पाटिल और मनीष भानुशाली भी शामिल हैं, उन्होंने मिलकर रेड की आड़ में वसूली का एक पूरा षड्यंत्र तैयार किया था और एक पूरा डबल गेम खेला था। आपको याद होगा कि जब क्रूज पर रेड डाली गई थी तो बताया यह गया था कि एनसीबी को एक टिप मिली थी कि क्लॉडिया क्रूज पर 2 अक्टूबर को एक रेव पार्टी होने वाली है और जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है। दरअसल एनसीबी को यह टिप किरण गोसावी और सुनील पाटिल की तरफ से ही दी गई थी। टिप देने वाले ने एनसीबी से यह कहा था कि वो देश हित में यह जानकारी दे रहा है जिससे ड्रग्स के कारोबार और इस्तेमाल पर शिकंजा कसा जा सके। इस टिप के आधार पर एनसीबी की टीम ने रेड की पूरी तैयारी की थी। आपको बता दूं कि किसी भी एजेंसी को अगर कोई टिप देता है और उसमें एजेंसी को थोड़ी भी विश्वसनीयता लगती है तो वो कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है। एनसीबी को यह टिप भी दी गई थी कि कौन कौन ड्रग्स लेकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यानी लोगों का ब्यौरा भी बताया गया था। एनसीबी का मकसद ड्रग्स लेने वालों और उसका कारोबार करने वालों को पकड़ना था, लेकिन टिप देने वाले किरण गोसावी और उसकी टीम का मकसद यहां कुछ और ही था। साजिश के तहत सुनील पाटिल, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली ने प्लान बनाया था कि क्रूज पर रेव पार्टी होने की जानकारी एनसीबी को देकर और वहां रेड मारकर आर्यन खान और उसके दोस्तों को हिरासत में लिया जाए और खुद को भी एनसीबी का अधिकारी बताकर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूले जाए। और अगर ये प्लान फेल होता तो प्लान बी भी इन्होंने तैयार किया था। प्लान बी ये था कि अगर अफसर बनकर वसूली ना कर पाए तो आर्यन खान को एनसीबी से बचाने के नाम पर वसूली की जाए।
ये वो प्लान है जो प्रभाकर साहिल, जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था, वो भी कई बार मीडिया चैनलों में बता चुका है। उसने तो ये भी कहा था कि 50 लाख की डील भी हो गई थी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ये पैसा लेकर आई थी और किरण गोसावी को दिए भी थे। अब ये प्लान फेल क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के बाद एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में कैसे फंसाया गया ये भी साफ हो जाएगा। क्रूज रेड में वसूली कांड का खुलासा करने वाले जितने भी चेहरे सामने आए, चाहे वो प्रभाकर साहिल हो या सुनील पाटिल के साथ रहने का दावा करने वाला पगारे हो या फिर इस डील में हिस्सा लेने वाला सैम डिसूजा, सब ने मीडिया में ये कहा कि किरण गोसावी की एनसीबी ऑफिस में आर्यन खान के साथ आई एक सेल्फी ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। साथ ही प्रभाकर साहिल ने यह भी बताया कि किरण गोसावी जब कथित तौर पर पूजा डडलानी से डील के 50 लाख रुपए लेने जा रहा था, तब उसने अपने मोबाइल में प्रभाकर का नाम समीर वानखेड़े के नाम से सेव किया था, जिससे पूजा डडलानी के सामने वो नाम दिखाकर यह बता सके कि वो समीर वानखेड़े से बात कर रहा है और इस डील में समीर वानखेड़े भी शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी डील 2 और 3 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है, जब क्रूज रेड के बाद 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई थी और ना ही आर्यन खान का नाम सामने आया था। तब तक मीडिया में यही खबर थी कि किसी एक बड़े स्टार का बेटा हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो कौन है ये साफ नहीं था। यानी डील गिरफ्तारी से बचाने के लिए होने वाली थी। एक तरफ तो किरण गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से पैसों की डील कर रहा था और वहीं दूसरी ओर वो एनसीबी की रेड के बाद क्रूज केस में पंचनामे का गवाह भी बन गया। अब चूंकि टिप भी किरण गोसावी ने दी थी और रेड के बाद ही रिकवरी के समय वो वहां मौजूद भी था, तो ऐसे में एनसीबी ने उसे स्वतंत्र गवाह बनाया क्योंकि उसने खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताया था और मौके पर उसने अपने जो आईडी कार्ड्स एनसीबी को दिखाए थे उससे एनसीबी की नजर में वो एक सामान्य नागरिक की तरह ही था। उस समय उसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का ना तो एनसीबी के पास समय था और ना ही कोई जरूरत। एनसीबी की विजिलेंस टीम ये भी पता लगा रही है कि उसका आर्यन खान के साथ एनसीबी ऑफिस के बाहर की फुटेज में दिखना महज संयोग था या वो जानबूझकर मीडिया की नजरों में आना चाहता था, जिससे वो डील के दौरान ये भरोसा दिला सके कि वो या तो एनसीबी का अधिकारी है या फिर एनसीबी के अधिकारियों के करीब है। अब सवाल यह है कि किरण गोसावी के आर्यन के साथ सेल्फी वायरल होने से यह सारा प्लान फेल कैसे हुआ। दरअसल जब आर्यन खान के साथ किरण गोसावी की सेल्फी वायरल हुई तो सबसे पहले यही सवाल उठा था कि क्या यह एनसीबी का कोई अधिकारी है, लेकिन एनसीबी ने इसका खंडन कर दिया और तभी पुणे पुलिस ने यह बताया कि यह धोखाधड़ी के केस में आरोपी है जिसे वह पिछले कई महीनों से ढूंढ रही है। यही किरण गोसावी और उसकी टीम को समझ में आ गया कि उनका भंडा फूट गया है, क्योंकि पता चल गया था कि ये लोग ना तो एनसीबी के अधिकारी हैं और इनकी एनसीबी में इतनी पहचान थी ही नहीं कि किसी की हिरासत को रिश्वत या वसूली के पैसों से छुड़वा पाते। रही बात समीर वानखेड़े की, तो किरण गोसावी जो इस समय पुणे पुलिस की रिमांड में है, उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया में आकर खुद कहा था कि वो समीर वानखेड़े को नहीं जानता था, बल्कि क्रूज रेड के दौरान उसने पहली बार समीर वानखेड़े को देखा था। यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर समीर वानखेड़े करोड़ों की डील में शामिल थे तो अगले दिन आर्यन खान का नाम बाहर आने से पहले या फिर सामने आने के बाद भी वो उसे छोड़ सकते थे और कह सकते थे कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं। लेकिन हिरासत में लेने के अगले ही दिन आर्यन खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि समीर वानखेड़े की टीम ने अदालत में जो सबूत पेश किए उसके आधार पर आर्यन को जमानत मिलने में एक महीना लग गया। एनसीबी की विजिलेंस टीम अब सारे तारों को एक साथ जोड़कर इस पूरे केस में वसूली एंगल से लेकर क्रूज रेड की सच्चाई और एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका का सच सबके सामने लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एनसीबी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि वो मुंबई पुलिस से बात कर चुकी है और मुंबई पुलिस ने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अब एनसीबी को जांच के लिए मुंबई पुलिस का सहयोग चाहिए ही क्यों, तो उसकी वजह है सबूत।
क्योंकि प्रभाकर साहिल ने मुंबई पुलिस के पास ही वसूली कांड को लेकर बयान दर्ज करवाया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने प्रभाकर साहिल की बताई जगहों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं। प्रभाकर साहिल, किरण गोसावी और इस षड्यंत्र में शामिल लोगों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स भी मुंबई पुलिस के पास है, जो कि सच सामने लाने में काफी अहम साबित होंगी। इसीलिए मुंबई पुलिस से सहयोग मांगा जा रहा है। इस दौरान समीर वानखेड़े की भूमिका की जांच भी विजिलेंस टीम और मुंबई पुलिस दोनों ने सख्ती से की है, क्योंकि उन पर उगाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। समीर वानखेड़े तो खुद ही कह चुके हैं कि वो मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, तो वो पूरा सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में समीर वानखेड़े का इस वसूली कांड से कोई संबंध नजर नहीं आया है। लेकिन एनसीबी फिर भी जांच का कोई पहलू छोड़ने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो किरण गोसावी से पूछताछ से पहले किसी तरह का कोई बयान नहीं देना चाहती। किरण गोसावी इस समय धोखाधड़ी के एक मामले में पुणे पुलिस की रिमांड पर है। जब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तब एनसीबी उसे पूछताछ के लिए बुला पाएगी, और एनसीबी ने इसके लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम जिस तेजी से इस केस की जांच कर रही है, उससे ये साफ है कि वो अपनी एजेंसी और उसके ऑफिसर पर उठ रहे सवालों का सच जल्द से जल्द सामने लाना चाहती है, क्योंकि इस केस की आड़ में महाराष्ट्र सरकार एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बदनाम करने की जो साजिश रच रही है उसकी भी कलई खोली जा सके। साथ ही एनसीबी की एसआईटी जो अब क्रूज केस के साथ साथ नवाब मलिक के दामाद का ड्रग केस और उसके अलावा चार और ड्रग केसेस की जांच कर रही है, उस पर भी आगे चलकर कोई सवाल ना उठा सके। और यही वजह है कि एनसीबी एक एक करके सारे केसेस को सामने लाने की कोशिश कर रही है, और पहला मकसद इस वसूली कांड का सच सामने लाना है, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।